हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू सबल क्लासेस। मैं साहिल सर मिशन पटवारी के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। 10 लेक्चर पूरे हो चुके हैं, आज हम पटवारी का 11वां लेक्चर करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ 3D ज्योमेट्री की शुरुआत करूंगा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 3D ज्योमेट्री के हर एक पार्ट के बारे में बताया हुआ है लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो है। आज मेंसुरेशन के 3D ज्योमेट्री के अंदर मैं आपके साथ जो अभियान स्टार्ट करने वाला हूँ उसके अंदर बेसिकली मैं आपके साथ क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ, ये दो पार्ट डिस्कस करूंगा। तो एक तो आज का अपना टॉपिक रहेगा क्यूब और एक टॉपिक रहेगा अपना क्यूबॉइड घनाभ। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं आप आज के टॉपिक को। आज की शीट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और आप उसमें ऑलरेडी ज्वाइंट भी हो तो वहां से शीट उठा लेना अपनी जो है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया काइंडली अपना नाम, अपना शहर और पटवारी लिख करके मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देना, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। यहाँ पे अपनी जितनी भी क्लासेज लाइव होती है उनकी इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा जो भी लेक्चर लगते हैं या जो भी अपडेट है पटवारी की सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है। स्नैपशॉट ले लो इसका जो है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, स्टार्ट करो, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहला पार्ट आता है क्यूब। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि थ्योरी का पार्ट है, कल मैं लाइव लेक्चर लगाऊंगा आपके डिस्कशन करने के लिए आपके साथ जो है, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है घन, पंजाबी में भी घन होता है ये जो है। ये एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ये भी ए होती है, ये भी ए होती है और ये भी ए होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी तीनों क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो इस क्यूब का जो एरिया बनता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। अब देखो, एरिया अगर बनाना हो तो मेरे पास ये वाली जो डायग्राम है ना, ये जो शेडेड पोर्शन है ये एरिया होता है। चार दीवारें हैं, एक छत है और एक नीचे फर्श होता है। टोटल 6 स्क्वायर बनेंगे मेरे पास, तो एक का ए स्क्वायर और 6 का 6 ए स्क्वायर, तो ये टोटल सरफेस एरिया बनता है इसका जो है। दिस इज टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर इसका निकालना पड़े वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम वो बनेगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ए क्यूब। वॉल्यूम बनेगा इसका कितना, ए क्यूब, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन, आयतन मतलब समर्था, इसके अंदर पानी की कितनी मात्रा आ सकती है वो इसका क्या कहलाती है, वॉल्यूम या समर्था कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा, वेरी सिंपल। इसके अंदर ना एक तीसरी चीज और आती है जिसको बोला जाता है डायगोनल विकर्ण। नोट कर रहे हो ना सारा कुछ जो है, लेक्चर प्रॉपर उतारना, अभी तो 10 ही हुए हैं, 11वां लेक्चर है, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, 40-50 तक पहुंचेगी। डायगोनल विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है एक्चुअल में, इस जगह से लेकर के इस जगह के बीच की जो दूरी होती है वो विकर्ण कहलाती है, ये वाली लंबाई। तो ऐसे चार विकर्ण बनते हैं हमारे पास जो है ना, अल्टरनेट कॉर्नर को ज्वाइन करने पे चार विकर्ण बनते हैं। ये चारों इसके बिल्कुल सेंटर से गुजरते हैं तो इसको बॉडी डायगोनल भी कहा जाता है। इस विकर्ण की लंबाई होती है √3a। डेरिवेशन तो इसका बहुत सिंपल है बट मैं आपको नहीं कराऊंगा, बस आप इसको एक बार नोट कर लो। विकर्ण होता है इसका √3a और डायगोनल जो होता है ना, इट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द क्यूब, या आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब, दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब। एक घन के अंदर सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है, एक घन के अंदर सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है वो क्या होता है, वो क्यूब होता है, घन होता है, ठीक है। वो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप दिमाग में रख लेना अपने जो है, नोट कर लो इसको फटाफट। 30 सेकंड के बाद स्लाइड चेंज करूंगा मैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखो, जो अपने पटवारी के जो पेड ग्रुप है ना डियर, वो सिर्फ ना सिर्फ पटवारी के बल्कि पंजाब लेवल के जितने भी एग्जाम है उन सबका सिलेबस कवर करा रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के अंदर, ठीक है। 1 ग्रुप हमारा प्राइम ग्रुप होता है जो सबसे लंबे टाइम के लिए चलता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या ग्रुप ज्वाइन करना हो, एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस है इसकी जो है और पेपर तक इसकी वैलिडिटी है, तो आप मेरे को फ़ोन करके इसकी रीडिंग कन्फर्म कर सकते हैं। 8 के 8 सब्जेक्ट पटवारी के
जो है वो पेड ग्रुप के अंदर बढ़िया से कवर होंगे, हमारे जो है 8 सब्जेक्ट होके 8 टीचर आपको टीच करेंगे। चलो जी अगला देखो, अगला जो लेक्चर, अगला जो पार्ट बनता है इसका, वो बनता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाव। इसकी शीट ना अच्छी है, आप ट्राई करोगे तो आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। घनाव में क्या होता है, एक लंबाई होती है, एक इसकी चौड़ाई होती है और एक इसकी ऊंचाई होती है। अगर तो बात करें आप इसकी एरिया की, क्षेत्रफल की, तो एरिया में क्या होता है, देखिए एरिया के अंदर 4 दीवारें हैं, एक छत और एक फर्श है। अगर हम बात करें इस दीवार की तो बी इंटू एच, तो 2 बन जाएगा BH, क्योंकि एक दीवार ये वाली है और एक दीवार ये वाली है। इसी तरह से अगर हम बात करें फर्श की तो L इंटू बी, फर्श बनेगा L इंटू बी, ऊपर भी L इंटू बी सेम है फर्श और छत का एरिया, तो 2LB बन जाएगा। अच्छा अब सामने वाली दीवार रहेगी, सामने वाली दीवार जो है इसका बनेगा ये वाला एरिया L इंटू एच, पीछे वाला भी L इंटू एच बनेगा, तो 2LH। मुक्ति सी बात यह है, 2 कॉमन निकालोगे, LB बनेगा, LH बनेगा और BH बनेगा। एक एक करके आप दो दो को मल्टीप्लाई करते जाओगे और इसका एरिया निकाल लोगे। इस एरिया को कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल। अगर आपको इस डायग्राम का वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो बहुत ही आसान है। इसका वॉल्यूम बनता है ए इंटू ए इंटू ए, ए क्यूब, भुजा का क्यूब। और इसका विकर्ण जो होता है, डायगनल जो होता है, वो लंबाई का स्केयर, चौड़ाई का स्केयर और ऊंचाई का स्केयर अंडर द रूट। इस तरह से ये तीनों पैरामीटर इसके बन जाते हैं। और ये वही विकर्ण जो होता है, लॉन्गेस्ट रोड होती है, सबसे लंबी छड़ होती है। ये तीनों चीज़ें तो आपने पढ़ ली इसके अंदर जो है। अब इसके अंदर कुछ बातें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा इसके अंदर जो है, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो क्या है। देखो एक चीज़ नोट करो इसके अंदर गाइस, जो है इसके अंदर क्या होता है, अगर हम घनाव की बात करें, अगर मेरे को निकालना हो लेटरल एरिया, लेटरल एरिया, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, एरिया ऑफ वॉल्स, नॉट साइड वॉल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो लेटरल एरिया अगर आपने निकालना है तो आप क्या करोगे, फर्श का उड़ा दोगे L इंटू बी, तो L इंटू बी वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2BH और LH, इन दोनों में से H कॉमन आ जाएगा 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो ये बनता है मेरा लेटरल एरिया, दीवारों का क्षेत्रफल, लिटल एरिया दीवारों का क्षेत्रफल, 2 इंटू L प्लस B। L प्लस बी ये होता है, 2 इंटू L प्लस B ये लंबाई होती है, मतलब फर्श का परिमाप बन गया और H इसकी क्या है, हाइट है। तो ये फार्मूला बनेगा पेरीमीटर ऑफ फ्लोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खास करके मेंसुरेशन के, पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू, इंटू हाइट ऑफ वॉल, दीवारों की ऊंचाई। अगर आप दीवारों की ऊंचाई को फर्श के परिमाप से गुना कर दो तो आपका एरिया ऑफ वॉल आ जाता है, दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है, जिसको लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। अब ये फार्मूला आप कैसे मर्जी समझ लो, इंपॉर्टेंट है काफी जो है। अब इसके अंदर क्या होता है, एरिया ऑफ वॉल दे दिया, परिमाप दे दिया, हाइट पूछ लेगा, हाइट दे दी, परिमाप दे दिया, ये पूछ लेगा, इन तीन में से कोई भी दो दे देगा और तीसरी पूछ लेगा आपसे जो है। तो ये तरह के क्वेश्चन क्यूबॉइड के अंदर, पेपर के अंदर ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट, उसके बाद आप अगले पार्ट के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट डायग्राम थी क्यूबॉइड घनाव, ठीक है। ऐसे क्यूब के अंदर भी आप निकाल सकते हो गाइज, क्यूब जो होता है ना घन, उसके अंदर भी आप लेटरल एरिया निकाल सकते हो। निकालते हैं अब वापस उस डायग्राम पे जाकर के, पहले आप इसको बढ़िया से नोट करो जो है, फिर हम आगे मूव करेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को बताना, अपने जानकारी में, रिश्तेदारी में, अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो अपना चैनल उसको जरूर रिकमेंड करना, ठीक है। अपने चैनल के ऊपर हर वीडियो पूरी यूजफुल होती है और एजुकेशनल पर्पज से ही होती है और कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ही होती है जो है, ठीक है। स्टिल कोई डाउट होता है अगर आपको, कोई प्रकार का अगर आपके आपके मन में कुछ भी डाउट आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फोन करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर जो है, ठीक है। चलो जी, तो मैं बता रहा था आपको घन के अंदर भी आप ये काम कर सकते हो, लेटरल एरिया निकालना।
इसकी दीवारों का क्षेत्रफल तो चार दीवारें हैं ना, तो इसका लेटरल एरिया बनेगा 4a² दीवारां दा क्षेत्रफल। ठीक है लो जी, ठीक है। देखो एक छोटी सी बात आपने और दिमाग में रखनी है इसके अंदर जो है, कई बार ना होलो क्यूबॉइड आ जाता है, मतलब जैसे कि मान लो मेरे को एक बॉक्स दे दिया जिसका साइज दे रखा आपको मान लो 32 सेंटीमीटर लंबा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, मतलब कि ये 32 है, ये 12 है और ये 10 है। ठीक है, और इसकी थिकनेस दे दी मेरे को, मोटाई दे दी कुछ 2 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे शीट में आपको, 2 सेंटीमीटर थिकनेस दे दी इसकी, मोटाई 2 सेंटीमीटर। तो मोटाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये कुछ खोखला बन जाएगा इस तरह से, ठीक इस तरह से खोखला बन जाएगा ये जो है। ठीक है, ये साइड से कवर हो जाएगी सारी जो है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर निकालना क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, इसको बनाने के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ उसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो अगर आप बड़े वाले बक्से में से अंदर वाला खाली जगह घटा दोगे तो साइड वाला बच जाएगा, है ना। अब बड़े वाले बक्से का वॉल्यूम जो है उसको V1 बोलता हूं मैं, 32 × 12 × 10। ठीक है, बाहर वाले को मैं V2 बोल देता हूं। अब देखो बाहर वाला V2, अंदर वाला सॉरी V2 बोल देता हूं मैं। अब 32 में से मोटाई जब 2 सेंटीमीटर यहां से जाएगी और 2 सेंटीमीटर यहां से जाएगी तो 4 गई ना, तो 32 की जगह 4 गया कितना बचा अंदर, 28। ऐसे इसमें 4 गया कितना बचा, 8, और ऊंचाई में से 4 गया तो कितना बचा, 6। अंदर वाला बचेगा 28 × 8 × 6। अब आप क्या करना है, आपने इन दोनों का अलग से वॉल्यूम निकालना है आपने, और उन दोनों को क्या कर देना आपने, माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सिंपल से कंसेप्ट बन जाते हैं हमारे पास काफी बार जो है, तो इनको भी ध्यान रख लेना आप जो है। ठीक है, मैं आपकी कन्वीनियंट के लिए एक बार ये लिख के बता देता हूँ आपको मैं कितना बन रहा है, ये बन रहा है 3840 और दूसरा जो है 28 8 और 6 बन रहा है 1344। इसमें से एक हटा दोगे, 10 में से 4 गया, 6 और 9 और 4 और 2, तो 2496 अपना क्या आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर जो है। ठीक है, एक ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या किया, V1 माइनस के V2 कर दिया, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दिया, तो साइडों परतों की जो भी इसका वॉल्यूम है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपने दिमाग में रखनी है जो है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आप पटवारी की ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो आप सावल क्लासेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के लिए ज्वाइन कर सकते हो। दोनों तरह के ग्रुप अपनी अकेडमी के अंदर चलते हैं, डेली 3 घंटे की क्लास होती है जिसमें लाइव लेक्चर लगते हैं। लाइव लगने के बाद लेक्चर को बाद में भी कभी भी देखा जा सकता है, तो 4 लेक्चर आपके रोज लगेंगे जो है डेली पेड ग्रुप के अंदर। पूरा सिलेबस कवर होगा आपका जो है, 8 सब्जेक्ट हैं, अगले 3 महीनों में 8 के 8 खत्म हो गए। 8 फैकल्टी मेंबर हैं जो कि परमानेंट और एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आप लेक्चर के थ्रू भी देख सकते हो। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, लेक्चर जो है आपके आपके पास रहेंगे एग्जाम तक जो है। डेली करंट अफेयर की डोज मिलेगी, 2 महीने से ऊपर का कोचिंग है ये, कोचिंग 3.5 महीने तक भी चल सकती है अगर पेपर नहीं आया तो, नहीं तो पेपर तक भी चल सकती है। और लगभग 10 मॉक टेस्ट हैं जो मिनिमम हम आपको दे रहे हैं, अगर पेपर आगे चला गया तो ये नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप मेरे नंबर पे फोन करना मुझे और इसके रिगार्डिंग पता करना जो है। ठीक है चलो जी, आगे देखो, आगे तो इसके क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन को कराने से पहले क्वेश्चन तो आपको भी घर पे करने के लिए देने हैं मैंने कुछ ना, वॉल्यूम की कन्वर्जन है जो आपने ध्यान रखनी है। 1 मीटर क्यूब जो होता है ना उसमें 1000 लीटर होता है। अब 1 मीटर क्यूब का मतलब पता है क्या होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। वैसे 1 मीटर जो होता है वो लगभग 3.34 फिट के बराबर होता है, 3.5 3.5 फिट के बराबर होता है। तो
मतलब 3.5 फीट लंबा चौड़ा और ऊंचा, तो 1000 लीटर का बक्सा बनेगा जो है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक चीज कैलकुलेशन और आती है, वो आती है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब देखो 1 डेसीमीटर जो होता है ना, ये मैंने कन्वर्जन आपको कराई हुई है, 1/10 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर का मतलब बना 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, तो एक मोबाइल का साइज लगभग 10 सेंटीमीटर ही होता है। इतना जो 1 लीटर का डब्बा आता है जब आप घी लेके आते हो, तो ये 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन इस तरह से आप याद कर सकते हो, काफी काम आएगी आपके जो है। अच्छा देखो, इसके अलावा तीसरी जो कन्वर्जन बनती है वो बनती है 1 सेंटीमीटर क्यूब की। अब सेंटीमीटर तो छोटा सा होता है बिल्कुल, इतना का जो है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, 1 लीटर तो आएगा नहीं, 1 लीटर का 1000वां हिस्सा, जिसको 1 मिलीलीटर बोला जाता है। मिली का मतलब 1/1000 होता है ना, ये कराए हैं मैंने आपको पहले परफिक्स जो है, मिली का मतलब होता है 1/1000 लीटर, याद है ना। एक तो था सेंटी, एक था मिली, है ना। सेंटी का मतलब होता है 1/100, मिली का मतलब 1/1000, और 1/10 का मतलब लिखा दिया मैंने आपको डेसी। ऐसे ही 10 का मतलब होता है हेक्टा, और 10 का मतलब होता है डेका, नोट हेक्टा। डेका, 100 का मतलब होता है हेक्टा, और 1000 का मतलब होता है किलो। तो ये 6 छोटी छोटी प्रफिक्स हैं, इनको दिमाग में रख लेना, इनकी जरूरत आपको वॉल्यूम वाले चैप्टर के अंदर खास करके काफी सारे क्वेश्चनों में पड़ेगी जो है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद आप अपने अगले पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपका बढ़िया से कवर हो रहा है, ठीक है। और बस मेंसुरेशन में तो जो कुछ भी होगा वो हमारे लेक्चर के अंदर होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक। बढ़िया से लिखो इसको जो है, एक एक टॉपिक को बड़े प्यार से, अच्छे से, स्लोली, विद क्वेश्चंस, विद एक्सप्लेनेशंस, विद थ्योरी कवर कर रहा हूँ मैं जो है। जैसे ही ये पूरा अभियान खत्म होगा, एक शिफ्ट लगेगी हमारी इसकी जो है, जिसके अंदर अपने काफी सारे लेक्चर लगेंगे, लगभग आई थिंक 20 तक तो लग ही जाएंगे अपने लेक्चर जो है। उसके बाद वाले जो लेक्चर रहेंगे उनके अंदर मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन जो लेटेस्ट पेपर के अंदर आ चुके हैं मेंसुरेशन के, वो प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। फिर अपनी ये एमसीक्यू की सीरीज है, फिर लगभग मान के चलिए 20-30 दिन तक और चलेगी जो है। तो 40 के लगभग जब लेक्चर लग जाएंगे तो ये हमारा कोर्स काफी बढ़िया बन जाएगा जब तक जो है, ठीक है। और 40 लेक्चर का मतलब है लगभग आप इसके अंदर 1000 के लगभग क्वेश्चन आप मेरे से कर लोगे कम से कम जो है, विथ थ्योरी विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस, ठीक है जी। चलो फिर आगे मूव करता हूँ मैं जो है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारा नोट कर लिया जो है। स्टूडेंट देखिए, इसके अंदर क्या है, एक छोटी सी चीज आपने और दिमाग में रखनी है। एक ना कंसेप्ट आता है डेंसिटी का, घनता का, डेंसिटी घनता। देखो डेंसिटी जो होती है ना, रो, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। अब मास जो होता है वो किलोग्राम के अंदर होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब के अंदर होता है, तो ये रो होता है। वैसे डेंसिटी मतलब कोई चीज की घनता जितनी ज्यादा है ना, उतनी ज्यादा मतलब कम स्पेस में ज्यादा भार होगा उसका जो है, बेसिकली आप कह सकते हो। तो डेंसिटी का एक यूनिट तो बनता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। एक यूनिट तो बनता है किलोग्राम, ऐसे लिखा जाता है, पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम के अंदर हो और ये सेंटीमीटर के अंदर हो, तो एक यूनिट बनता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना हो ना, तो अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वैसे तो इस कन्वर्जन की जरूरत बहुत ही रेयर पड़ेगी आपको, पर फिर भी लिख लेना, क्योंकि पटवारी का पेपर है तो वॉल्यूम वॉल्यूम और डेंसिटी मास की कन्वर्जन बहुत ही कॉमन रहती है हमारे लिए जो है। तो ये एक कंसेप्ट आता है डेंसिटी का हमारे पास, जिसका फॉर्मूला बनता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ डेंसिटी के फॉर्मूले को, तो ऐसे लिखा जाता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको इस फॉर्मूले से मास निकालना पड़ जाए तो मास क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सही है ना। तो मैं कह सकता हूं ना कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अगर आपको इसी फार्मूले को यूज करके निकालना पड़ जाए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बनेगा मास अपॉन डेंसिटी। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं। तो आपको पेपर में जनरली डेंसिटी गिवन होती है, जनरली आपको मेंसुरेशन के अंदर डेंसिटी क्या होती है, गिवन होती है।
या तो आपको मास दे करके डेंसिटी वॉल्यूम पूछ लेगा, या वॉल्यूम दे करके मास पूछ लेगा। कोई एक चीज पूछेगा दूसरी दे करके, तो तीन चीजें हैं, कोई भी दो गिवन होगी, तीसरी अपने को निकालनी होगी। तो ये मास पर मास अपॉन डेंसिटी बन जाता है, ठीक है। बाकी तो और कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं 3D के अंदर, इसलिए मैंने आपके साथ पहले से ये कंसेप्ट यूज कर लिया कि अगर आप कहीं डेंसिटी का कंसेप्ट देखो तो कंफ्यूज मत हो ना। जनरली आपको इस पेपर के अंदर मास निकालना पड़ेगा, तो इसको मैं डबल हाईलाइट कर देता हूँ आपको, आपके मतलब मेंसुरेशन के अंदर आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बढ़िया से जो है, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट करो, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आगे मूव करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है क्योंकि टॉपिक छोटा है, पर क्वेश्चंस काफी मजेदार रहेंगे इसके जो है, ठीक है। ठीक, ये टेलीग्राम में भी आपको शीट मिल जाएगी थोड़ी देर के बाद इसकी जो है। और गाइस बस करते हैं फिर, आप आज के लिए टॉपिक खत्म हो गया अपना जो है। अगर आप पटवारी का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, या पटवारी के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, तो ये एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है फॉर द पटवारी। ये सावल क्लासेस का नंबर है, तो हमारी अकेडमी का नंबर है, आप इस पर फोन करके कन्फर्म कर सकते हो। ये दीपक सर का नंबर है, अगर मेरा नंबर ना मिले तो आप सर को भी फोन करके कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने कल के लेक्चर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।